इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, बीएसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी की आज बड़ी अहम बैठक होने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी आगामी रणनीति को लेकर आज उत्तर प्रदेश की खास बैठक बुलाने जा रही है। पूरे तमाम उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों को इस बैठक में बुलाया गया है, उन्हें संबोधित किया जाएगा, उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। ये बैठक आपको बता दें कि काफ़ी अहम मानी जा रही है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये दूसरी बार आपको बता दें कि बड़ी बैठक बुलाई गई है। तो इसके अंदर सदस्यता अभियान का अभी तक क्या कुछ हुआ है उस पर भी चर्चा हो सकती है, साथ ही आगामी दिनों में क्या कुछ करना है उस पर भी चर्चा हो सकती है। उत्तर प्रदेश में अगले दिनों निकाय चुनाव है, तो निकाय चुनाव को बीएसपी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहती है और उसी सिंबल के साथ बहुजन समाज पार्टी मैदान में उतरना चाहती है, इस पर भी मंथन हो सकता है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी लगातार ये बात कहती नजर आई है कि मुस्लिम समाज को लेकर उनका खास टारगेट है। विधानसभा चुनाव के अंदर उन्होंने ब्राह्मण समाज को जोड़ने की कोशिश की थी लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ था, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद अब मुस्लिम समाज पर उनका काफ़ी फोकस है। मुस्लिम समाज के कद्दावर नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियाँ भी सौंप रही है, तो नए नेताओं को पार्टी में शामिल भी कर